नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयिर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक चिद्रूप रूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार 172 गाथा अलिंग ग्रहण का 20 बोल में से 12 नंबर का बोल है। इस बोल में ये कह रहे हैं कि जिसे लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोगता नहीं ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। इसमें अपना ये बिंदु चल रहा था, शुरू हुआ था मतलब कल, चैतन्य शांत अमृत रस की मिठाई छोड़कर पुण्य का भोग भिखारी की भांति झूठन खाने के समान है, है ना। पेज नंबर 55 है। थोड़ी चर्चा हुई थी इसकी, थोड़ी आगे और करते हैं। शब्द तो पुद्गल की अवस्था है, उसमें इष्ट अनिष्ट पना नहीं है, है ना। कोई भी शब्द हो वो तो भाषा वर्गना का परिणमन है, तो उसमें ये अच्छा है और ये बुरा है ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह स्पर्श रस गंध युक्त रूपी पदार्थों में अनुकूलता प्रतिकूलता ही नहीं है। पहली बात तो अज्ञानी के अज्ञान में ये मान्यता उसने खड़ी की है कि यह अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। जगत का कोई पदार्थ ज्ञान की ओर से देखा जाए तो वास्तव में गेय है। ज्ञान की ओर से देखो तो गेय है ना। और उस पदार्थ की ओर से देखो जिसको हम अनुकूल प्रतिकूल मान रहे हैं तो वो तो पुद्गल की रचना है। पुद्गल अनेक प्रकार की अवस्थाओं रूप से प्रणवन करता है, उसमें अपनी मति कल्पना से हम लोग जिसे अच्छा समझते हैं उसमें अनुकूलता की कल्पना कर लेते हैं और जिसे बुरा समझते हैं उसे उसमें प्रतिकूलता की कल्पना करते हैं। सच में कोई अनुकूलता प्रतिकूलता कहीं है नहीं पदार्थ में। अज्ञानी जीव भोजन पान के पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनको भोगने का भाव करता है, ठीक है नहीं। भोजन और पान, मैंने भोजन मैंने खाद्य पदार्थ, पान माने पेय पदार्थ, तो इन पदार्थों को क्या करता है वो इष्ट अनिष्ट मानकर, है ना। ये सब्जी क्यों बनती है, मुझे ये पसंद ही नहीं। घर घर में नहीं होते ऐसे झगड़े, ये सब समझ लेना, वो तो ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है। तो उसमें इष्ट और अनिष्ट मानकर श्रीमद जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा, माने जो उनके नीति शतक या ऐसा या 700 नीति है उनकी, उसमें एक लिखा उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य कि जिसे आप भोजन कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि पुद्गल का पिंड मान करके करो उसे। पुद्गल का पिंड माने क्या, कि हलवा हो तो भी पुद्गल का पिंड है, सूखी रोटी हो तो पुद्गल का पिंड है, ख्याल में आएगी नहीं क्या है उसमें। उसका स्वाद जिसको अपन लोक में भी स्वाद बोलते हैं वो स्वाद कितनी देर का है ये बताना जरा, कभी कल्पना करी कि जीवन पर, वो भी जीवन का एक पर्टिकुलर हिस्सा। देखो जब वो हाथ में है उसका कोई स्वाद नहीं, नरेंद्र जी है हाथ में है तब उसका कोई स्वाद नहीं, और गले में उतर गया तब उसका कोई स्वाद नहीं, है ना। अब इतने से के लिए ये अच्छा है और ये बुरा है, ये इष्ट है ये अनिष्ट है, वो कहते हैं पुद्गल का पिंड मान करके कर लेना है इसको, झगड़ा निपटा, ख्याल में आया।
ऐसा। देखो जब इस पुतगल का पिंड मान करके इसमें इसमें क्या होगा कि इसमें जो भोजन में जो गृद्धता होती है, भोजन में जो रस बुद्धि होती है, सच में उस रस बुद्धि का अभाव हो जाता। भोजन तो ज्ञानी भी करते, और ज्ञानियों को जैसा भोजन मिलता है अज्ञानी तो सोच भी नहीं सकता, उसको तो सोचे तो आश्चर्य लगे। चक्रवर्ती के भोजन वगैरह की बात करें अपन तो आश्चर्य लगे, लेकिन वो होने पर भी उसे उसमें रस बुद्धि नहीं। मूल बात क्यों, क्यों पुद्गल का पिंड है, क्या है उसमें। और भिखारी हो ना, भिखारी, और भिखारी को समझ लो सूखी रोटी रोजाना मिलती हो, और किसी दिन किसी के यहां कोई कार्यक्रम हो और उसको थोड़ा सा माल मिष्ठान मिल गया हो, थोड़ा सा, तो वो ऐसे रस पूर्वक उसे खाता है जैसे चक्रवर्ती का भोजन कर रहा हो। समझा गया, ये गृद्धता बुद्धि। तो यहां पर तो ये कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट मान करके उनको भोगने का भाव करता है, परंतु यह उसकी भ्रांति है। क्यों भ्रांति है कि तो भोग तो सकता नहीं, भाव करके दुखी हो रहा है खाली। कि पर वस्तु को भोगने का भाव वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। लौकिक में भी जो ग्रस्त होता है वह अपने घर में उत्तम उत्तम वस्तुएं खाता है, परंतु जो जीव चूरा अथवा झूठन खाता है उसे भिखारी कहा जाता है कि नहीं। हाँ, इसी प्रकार आत्मा का भंडार क्या है, आत्मा का भंडार कि ज्ञान है, आनंद है, सुख है आदि चैतन्य शक्तियों से अक्षय परिपूर्ण है। और रिद्धि होती है ना अक्षीण रिद्धि, तो अक्षीण रिद्धि की तो एक अलग विशेषता होती है कि उस दिन अगर मुनिराज ने आहार किया, अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज ने, तो उस दिन वो आहार का उस दिन वो आहार खत्म नहीं होगा। भले चक्रवर्ती की सारी सेना भोजन कर ले तो भी वो आहार खत्म नहीं होगा, लेकिन अगले दिन बचेगा कि नहीं बचेगा, उस दिन तो खत्म नहीं होगा। आगे कि नहीं आगे, अकृत पुण्य का आता है ना धन्य कुमार के पूर्व भव में, है कि नहीं। तो उस दिन तो वो पूरा आहार मतलब पूरी नगरी को जिमा लो आप, चाहे चक्रवर्ती का पूरा सेना हो 96 करोड़, तो वो सब भोजन कर ले तो भी भोजन खत्म नहीं हो, लेकिन अगले दिन बचेगा कि नहीं बचेगा, कि कोई गारंटी अगले दिन की कोई प्रश्न नहीं। नहीं, भगवान आत्मा कैसा है कि भगवान आत्मा तो ज्ञान आनंद सुख आदि चैतन्य शक्तियों से अक्षय परिपूर्ण है। मतलब परिपूर्ण तो है ही, लेकिन कैसा परिपूर्ण है कि ऐसा नहीं कि एक बार परिपूर्ण हो गया भैया अभी अभी तुम देखो एक घंटे का टाइम है तुम्हें जितना अतिंद्रिय आनंद भोगना है भोग लो, होता कि नहीं होता भाई। एक घंटे लाइट आएगी अपने सारे काम कर लो, फिर बाद में 3 दिन तक लाइट नहीं आने वाली है ना। तो ऐसा है आत्मा का खाना, आत्मा का खजाना है। अरे अनंत सुख और अनंत काल तक भोगते रहो, अक्षय है वो, उसका कभी क्षय नहीं होता। एक बात भरोसा नहीं है जीव को, संयोग और पुण्य पाप की रुचि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करके जो जीव अपनी चैतन्य निधि के भंडार को खोलता है उसे उसमें से स्वभाव की निर्मल पर्याय रूप ताजा मिठाइयां समय समय पर मिलती है। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा, एक कवि का भजन है सिद्ध भगवान के लिए का, एक समय की कमाई है। समझा, शुरू में एक स्वरूप की दृष्टि की कि एक समय की कमाई और अनंत काल खाएगा। आगे समझ, देखो जो जीव अपनी चैतन्य निधि के भंडार को खोलता है उसे उसके स्वभाव की निर्मल पर्याय रूप ताजा मिठाइयां, और वो भी कैसी कि समय समय पर मिलती है और वह उनको भोगता है। क्या मतलब,
सिद्ध भगवान एक समय का बासी आनंद नहीं भोगते हैं। अपन लोग तो क्या करते कि चलो अभी नहीं खत्म हुआ तो चलो शाम को काम आ जाएगा, और शाम को बनाया हो तो फ्रिज में रख दो। ये मतलब जब से फ्रिज आया अपन लोगों के घरों में है ना, मतलब बासी खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है ना, कि एक समय का बासी आनंद भी सिद्ध भगवान नहीं खाते, नहीं भोगते। हर समय नया 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 नया। आचार्य कहते ऐसा ही तू भी भोगेगा जब अपनी दृष्टि करेगा तब। वह धर्मात्मा जीव चैतन्य लक्ष्मी का स्वामी धनवान कहलाता है। कैसा धनवान? कि जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिस पर कोई टैक्स नहीं है, जिस पर इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ सकती कि कितना कमाओ। अमर्यादित स्वभाव है ना, स्वभाव है उसमें मर्यादा कैसी, और मर्यादा हो तो वो स्वभाव कैसा, वो तो अमर्यादित है। अनंत 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 सुख भोगते। परंतु जो जीव अपने स्वरूप का भोग छोड़कर शरीर को भोगूं, भोजन पान के विकारी भाव को भोगूं, उसके आगे बढ़ा तो दया दानादि के परिणाम को भोगने की इच्छा करता है, अर्थात परलक्ष्य करता है, वह जीव तीव्र आकुलता को भोगता है ना। आकुलता रागादि विकारी रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। पूजा में बोलते कि जितने भी मैंने रागादि विभाव किए, और सिद्ध भगवान की पूजा में बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूजा में बोल रहे हैं ना, तो जिस समय पूजा का परिणाम चल रहा है वो भी रागादि विभाव ही तो है। भगवान से कह रहे हैं कि ये जो हम अभी जो हमारा परिणाम चल रहा है कि इसका फल भी कोई निराकुलता नहीं है। माना बोलते भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में, सब में ये बात बोलते हैं, और लगने को पाप भाव भी आकुलता में लगा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। आ गया, लगा कभी पाप? पाप भी, पुण्य की बात तो छोड़ो, पुण्य तो कहां लगेगा, पाप ही नहीं लगा अभी तो, उसमें मजा आता है ना। और यहां पे कह रहे हैं पर लक्ष्य करता है, वह जीव तीव्र आकुलता भोगता है, वह ताजी मिठाइयां छोड़कर भिखारी की भांति झूठन खाने के समान है। अब इससे ज्यादा क्या बोले, तो कल रेफरेंस दिया था, ये कोई गुरुदेव बोल रहे हैं ऐसा? आचार्य भगवान ने परमात्मा प्रकाश में बोला है। क्या क्या इसका उच्छिष्ट का भोग, ये सब उच्छिष्ट का भोग है, अनंत बार भोग है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन है ना। द्रव्य परावर्तन की कल थोड़ी चर्चा कर ली थी, कोई ऐसा पुद्गल बचा नहीं है ना लोकाकाश में, ऐसा कोई क्षेत्र बता दो कि जहां पर जन्म मरण नहीं किया हो है ना, उस सर्पणी अवसर्पणी का ऐसा कोई समय बता दो कि जिस समय में जन्म मरण नहीं किया हो, मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कोई भाव बता दो, और मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कोई भाव बता दो कि जो भाव इस जीव ने अनंत बार नहीं किया हो। अरे एक नहीं, दो नहीं, अनंत अनंत परावर्तन कर चुका। क्योंकि देखो सबसे कम समय लगता है द्रव्य परावर्तन में, और सबसे अधिक समय लगता है भाव परावर्तन में है ना। इस मतलब द्रव्य परावर्तन में जितना काल लगता है, उससे अधिक क्षेत्र परावर्तन में, उससे अधिक काल परावर्तन में, उससे अधिक भाव परावर्तन में, सबसे अधिक भाव परावर्तन में। तो जिसमें सबसे कम काल लगता है उसका काल भी अनंत काल है। अनंत दो तरह के होते हैं, एक होता है सक्षय अनंत और एक होता है अक्षय अनंत। तो ये जो पंच परावर्तन वाले ये सब जो अनंत है ना, ये सब सक्षय अनंत है, मैंने इनका अंत आ जाता है। वह इतना है कि छद्मस्त के ज्ञान गोचर वो काल की संख्या नहीं है, इसलिए अनंत है वो। तो ऐसे पुद्गल, क्योंकि भाई अपने को आश्चर्य अनंत काल, अरे भाई आत्मा कब से, ये तो जरा विचार करो, तुम एक अनंत काल में घबरा गए, ऐसे ऐसे अनंत परावर्तन कर चुका यूं कह रहे हैं आचार्य को, एक दो नहीं अनंत परावर्तन कर चुका है। त्रास कहां लगता है जीव को, तो कौन सा क्षेत्र बाकी बचा
पर अपन कितने प्रभावित होते हैं। अमेरिका कोई जाकर के आया हुआ तो अमेरिका जाने का मौसम बन रहा हो किसी का, है ना, तो कैसा लगता है, कैसा लगता है कि जैसे विदेश क्षेत्र से जाने का, फिर विदेश क्षेत्र में जाने में किसको हर्ष होगा, अमेरिका जाने में जितना हर्ष होता है, दो 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 अपने पास सामने दो विकल्प हो समझ लो कि एक तरफ तो अपना अमेरिका का वीजा आया बन करके, है ना, कि इतनी तारीख को इतनी बजे आपको अमेरिका जा सकते हो आप, और आपको 5 साल का वीजा मिला, और उसी समय समझ लो सिमंदर भगवान की समो शरण में से कोई देव आ गया अपने लिए भी, कुंदकुंद आचार्य के लिए आ गया, अपने लिए भी आ गया, जरा सोचो जरा, और दोनों का समय एक है, और दोनों में फिर दोबारा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये चांस आप चूक गए तो इस जीवन में तो ये चांस मिलने वाला नहीं है। अभी अपन अपना विचार कर लेना जरा, अपन कौन सा चांस लपकेंगे, अपन सोचेंगे विदेश क्षेत्र तो मर करके भी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो अमेरिका ही चले अपन, मतलब क्षेत्र का आकर्षण आता है। आचार्य कहते हैं भाई साहब एक रज एक आकाश का प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहां तुम जन्मे मरे नहीं हो, ऐसे ऐसे एक एक पे लगाना और इसका विचार करना, पंच परावर्तन का तो ख्याल आएगा। देखो वह आत्मस्वरूप की लक्ष्मी का स्वामी नहीं है अज्ञानी, है ना, परंतु क्या है वो भिकारी है। भिकारी किसे कहते हैं, भिकारी किसे कहते हैं, अपनी लक्ष्मी को भूल गया और पर से सुख की आशा, है ना, वो भिकारी, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को भिकारी को एक ही बात है, उसे धर्म नहीं होता है। इस बारहवें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है, अ माने नहीं, लिंग माने इंद्रियों द्वारा, ग्रहण माने विषयों का उपभोग, अर्थात आत्मा को इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है, यह नास्ति का कथन है। देखो एक बात समझ लेना कि जगत में बाहर के वैराग्य का वातावरण पाकर इंद्रिय के विषयों को छोड़ देना बाहर से, यह कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया, अपनी इस परिभ्रमण की यात्रा में, संसार परिभ्रमण की यात्रा में अनंत बार अपन ने ऐसा छोड़ा है, अभी तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव जब बोलते ना कि जिस समय इसने द्रव्य लिंग धारण किया था, तो कहते कि हजारों रानियां और बहुत विशाल विशाल राजपाट को छोड़ करके वन में एकाकी चल पड़ा था। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले शन पाया, तो ये हो गया, है ना, तो मैंने उसका कुछ नहीं है, तो इसलिए कहा कि ये नास्तिक, ये तो नास्तिक की बात हुई, तो विषयों को छोड़ना छोड़ना। अस्ति से क्या है कि आत्मा अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि निर्मल पर्यायों का भोगता है, समझ गया, अरे जो भोगी होता है वही त्यागी होता है, लेकिन किसका भोगी और किसका त्यागी, तो अपने आत्मा के अतिंद्रिय आनंद का भोग भोगना जिसे नहीं आया वो विषयों का त्यागी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब तक आत्मा का अतिंद्रिय आनंद भोगने में नहीं आया, जब तक आत्मा के अतिंद्रिय आनंद का पता नहीं पड़ा, तब तक विषयों में से सुख बुद्धि नहीं टूटेगी। वो तो जैसे डॉक्टर अपने को किसी चीज को खाने को मना कर दे कि ये बीमारी है ना, कि ये नहीं खाना आप, है ना, तो अपन सब लोगों को खाते हुए देखते हैं लेकिन मन मार करके रहते हैं, बस वही हालत है अज्ञानी की। अब भैया हमने बाहर का हमने ये नियम ले लिया है, अब ले लिया है इसलिए हम निभा रहे, क्यों, क्योंकि अंदर में सुख बुद्धि तो पड़ी हुई, आत्मा में सुख बुद्धि तो आई नहीं। ये कह रहे हैं यहां पर कि ऐसा निर्णय होता है, इस प्रकार आत्मा स्वगे है, वह जैसा है वैसा उसका श्रद्धान करना सम्यकता धर्म का कारण है। अहो महासमर्थ अमृत चंद्राचार्य देव,
देखो कैसी कैसा गजब का काल होगा वो। तो महासमर्थ अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक अलिंग ग्रहण शब्द में से 20 बोल निकाले हैं। कितने बोल? 20 बोल निकाले, प्रकट किए हैं। बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनि, देखो अभ्यंतर में तो निर्ग्रंथ है, लेकिन कोई कहे भाई साहब अगर अभ्यंतर में निर्ग्रंथ है और बाहर में वस्त्र आदि का या कुछ परिग्रह होवे तो क्या तकलीफ है तुमको? वस्त्र तो परद्रव्य है ना, तो परद्रव्य आत्मा को कहां रोकता है मोक्ष जाने में? एक तरफ तो कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बाधा नहीं पहुंचाता, और एक तरफ कहते हो कि वस्त्र का एक धागा रहे तो मुनि बना नहीं होता है? क्या आपत्ति क्या है इसमें रहे तो? कि भाई पर द्रव्य बाधा नहीं पहुंचाता, ये बात बराबर है। वहां भी वस्त्र ने मुनिपने को बाधा नहीं पहुंचाई है, ध्यान से सुनना, लेकिन जहां मुनिपने का परिणाम होता है वहां पर वस्त्र ग्रहण की वृत्ति ही नहीं होती। और वस्त्र ग्रहण की वृत्ति हो और अंतरंग में मुनिपना प्रकट हो जाए ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता, समझ आ गया? नहीं तो कोई मुनिराज है और उनको कोई सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में कोई उन पे कंबल डाल जाए, बाहर में कंबल पड़ी है और अंतरंग में भावलिंग बना काया में, क्यों? क्योंकि उस कंबल के ग्रहण में उनका राग शामिल नहीं है, वो किसी के द्वारा किया गया उपसर्ग है। और मुनिराज अपने आप तो उपसर्ग हटाते नहीं, नहीं हटाते, हटाते हटा लेते हैं, वो तकलीफ हो रही हो तो फिर हटा लेते होंगे ना, नहीं नहीं हटाते। राजा सैनिक का तो आता ही ना उदाहरण, तीन दिन बाद कहा था रानी चेलना को कि तुमने हमारे गुरु की सर्वज्ञता की परीक्षा की थी ना, हमारे गुरु का अपमान किया था, उनकी जूतियां खिला दी थी ना उनको आहार में, नहीं खिलाई थी, आता ना पूरी कहानी, सर्वज्ञ हैं हम तो उनकी जूतियां खिला दी, बाद में ढूंढने लगे तो उनने कहा कि आप तो सर्वज्ञ हो पता लगा लो। हालांकि देखो एक चीज समझ लो कि घटनाक्रम कुछ भी हुआ हो, ये एक समीक्षा की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, कि घटनाक्रम कुछ भी हुआ हो, रानी चेलना ने कुछ भी किया हो, लेकिन ये उदंडता चेलना के योग्य नहीं है, ये उदंडता की श्रेणी में आएगा, ये कोई ज्ञानी हो गया इसका मतलब कोई कुछ भी करे ये नहीं चलता है ना। क्यों क्यों भाई तुमको इस तरह का परिणाम क्यों आया? तो उनकी जूतियां उनको खिला दूं मैं, सर्वज्ञता की पहचान करने का यही एक तरीका बचा था क्या? वो घटना घटी, उनने ऐसा किया और शास्त्र में वो लिखा कि ऐसा उनने किया, लेकिन वो इस कार्य के लिए वो कोई शाबाशी देने लायक है कि ऐसा नहीं? किसी भी ज्ञानी को भी इस तरह का परिणाम आवे उदंडता जैसा, ये उदंडता कहलाएगी, ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं कहलाएगा, शालीन व्यवहार नहीं कह सकते इसको, समझ में आ गया? हुआ क्या उसका नतीजा? कि राजा भड़क गया, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, तीन दिन बाद कहा तो कहा महाराज तो भग्य होंगे वो तो अब क्या बैठे रहतेंगे, तो अगर हमारे गुरु हैं और किसी ने उपसर्ग दूर नहीं किया तो आज भी उसी स्थिति में मिलेंगे, और गए वो और वही मिले तो कोई कंबल डाल जाए तो हटाएंगे नहीं हटाएंगे महाराज? उपसर्ग के उपसर्ग रूप में मैंने वो भले दया के भाव से डाला, उसको पता नहीं कि मुनिराज का स्वरूप क्या है, ग्वाला है नहीं पता, जंगल में बैठे मुनिराज, सर्दी लग रही है, वो कहा अपन इतना ओढ़ ओढ़ के बैठे तो भी सर्दी लग रही थी, ये तो अकेले डाल दी कंबल के उपसर्ग हो गया। जब तक कोई उस कंबल को नहीं हटाएगा मुनिराज ध्यान मुद्रा को नहीं छोड़ेंगे, तो वो परिग्रह नहीं है। और स्वयं एक तिलतुस मात्र भी ग्रहण करने का परिणाम आवे तो मुनि बना टिकता नहीं है, आया कि नहीं है? अकलंग देव ने क्या किया था कि प्रतिमा को लांघना है, अभी क्या करें, धर्म संकट है, परीक्षा होनी है, तो क्या किया उनने, चतुराई क्या की कि प्रतिमा के ऊपर एक धागा डाल दिया, धागा डालते क्या हो गई वो प्रतिमा, सरागी प्रतिमा हो गई, सरागी प्रतिमा होगी लांगे आ गया। ये सब समझना भाई, गजब बात है। देखो बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनि,
है ना, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे। बाह्य में नग्न दिगंबर दशा थी और अंतर में राग की चिकनाई के स्वामित्व रहित रूखी दशा वर्तती थी। रूखी दशा माने राग की चिकनाई नहीं थी। ये समय सार का बंद अधिकार है ना, तो बंद अधिकार में वहां लिया कि ये बंद का कारण कौन है, कि बहुत धूल से भरा हुआ प्रदेश, सचित अचित पदार्थों का घात है ना, इंद्रियां ये सब। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई बंद का कारण नहीं है, लेकिन वो पुरुष जो अपने शरीर में तेल का मर्दन करके आया है, तो वो जो चिकनाई, चिकनाई किसको चिपकती है, तो वो जिसने अपने शरीर में तेल का मर्दन किया हुआ है, धूल उसी से चिपकेगी। तो बंद का कारण कौन हुआ कि चिकनाई, राग द्वेष की चिकनाई है ना। आचार्य देव ने चैतन्य में विश्राम करते करते, कहां आचार्य देव का विश्राम है सोचो तो जरा कैसी दशा होती होगी है? चैतन्य में विश्राम करते करते, चैतन्य उपवन में रमण करते करते, शब्दावली भी गजब की है ना, चैतन्य उपवन में रमण करते करते 20 बोल प्रकट किए हैं। आ गया, 12 बोल हुए, अभी 13 नंबर का बोल, क्योंकि अभी जो ये बोल आएंगे ना 18, 19 और 20, ये तीन बोल बहुत जोरदार हैं और पूरे इन 20 बोलों का कस उसमें आ जाएगा, है ना। तो देखो यहां पे 13 नंबर के बोल में क्या कहते हैं कि लिंग द्वारा अर्थात मन तथा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा, ग्रहण अर्थात जीवत्व का धारण कर रखना जिसके नहीं है। आ गया, 10 प्राण होते कि नहीं होते, सीधी सी बात। क्या मन इंद्रियादि, इंद्रियादि माने इंद्री बल आयु श्वास, जिसको 10 प्राण बोलते हैं ना अपन लोग, तो क्या इनके द्वारा, इनके लक्षण के द्वारा जीव प्राण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है, वह क्या है कि वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव की, आर्तव को अनुविधाई माने अनुसार होने वाला है, होने वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो ये जो अपने यहां पे 47 शक्तियां हैं ना, तो 47 शक्ति में सबसे पहली जीवत्व शक्ति है। क्यों? क्योंकि अगर जीव है ही नहीं तो फिर उसमें कौन सी शक्तियां हैं और कौन सी शक्तियां नहीं है उसकी चर्चा करने की मतलब ही नहीं है। तो पहले जीवत्व शक्ति सिद्ध की, जीवत्व शक्ति के बाद जीव है तो कैसा है, तो फिर दृषि शक्ति, चिति शक्ति, वो तो मैंने एक बहुत व्यवस्थित क्रम है इन शक्तियों का। तो आत्मा इंद्रिय मन आदि के लक्षण द्वारा, मन इंद्रिय आदि के लक्षण द्वारा ग्रहण यानी जीवत्व को धारण करना आत्मा को नहीं है। अब देखो, आत्मा जड़ प्राणों से जीवित नहीं रहता है ऐसा स्वगेय को तू जान। कि द्रव्य संग्रह में तो लिखा, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो य व्यवहारासो जीवा निश्चय न दो दु चेदना जस्स। आया ना, लेकिन आपने अगर बृहद द्रव्य संग्रह की इस गाथा की टीका पढ़ी हो तो बहुत गजब की टीका है। चलो अभी एक मिनट में दिखाई देता हूं मैं आपको। द्रव्य संग्रह देखो, ये कौन सी गाथा है, तिक्काले से तू माना, तीसरी गाथा है ना। देखो ये तीसरी गाथा है, इसकी टीका पढ़ो आप, बहुत गजब की टीका है। क्या तुम इंद्रिय बल आयु इसकी बात तो की, लेकिन कैसे मिले ये प्राण जरा देखो। तो
तिक्काले चदुपाणा इंदे बल माऊआण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचे दिना जस। तीनों कालों में भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, मैंने सामान्य सभी जीवों की अपेक्षा कथन है ना, एक जीव की बात नहीं है। तीनों कालों में इंद्रिय मैंने पांच इंद्रियां, तीन बल, आयु और स्वाच्छोश्वास, इन चार प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है। लिखा है शब्द टीका में गाथा में लिखा है ना, व्यवहारासो जीवो, वह व्यवहार नय से जीव है। क्यों जीव व्यवहार नय से? क्योंकि दूसरे की अपेक्षा से इसको जीव कहा गया। निश्चय नय से जिसको चेतना है वह जीव है। आ गया। अब एक आदि का मैं आपको बताता हूं, जरा देखो। देखो ये आया पहला, वे प्राण कौन से हैं कि इंद्रिय बल माऊ आण पाणो य, टीका में है। अब देखना इसका बहुत जोरदार अर्थ किया है। इंद्रिय देखो, अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्ष भूत, क्या शब्द का प्रयोग किया, बात करनी है इंद्रिय प्राण की। और इंद्रिय प्राण कैसा है तो उसको पहले बताया कि अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्ष भूत छायोपशमिक इंद्रिय प्राण है। इसका मतलब समझ गए? क्या समझे? खंड खंड ज्ञान रूप भावेंद्रिय को प्राण में लिया है, शरीर की बात नहीं की है। शरीर को तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से कहेंगे, ठीक है। तो एक तो इंद्रिय प्राण। अब देखना, अब बल प्राण की कितनी बढ़िया व्याख्या की, अनंत वीर्य लक्षण। कैसा लक्षण? आत्मा का लक्षण कैसा है? अनंत वीर्य, अनंत बल, अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण से अनंत में भाग प्रमाण। अनंत बल आत्मा का स्वरूप है और प्रकट कैसा हुआ? अनंतवा भाग, और इसी में जीव फूला फूला फिर रहा है। भाग भाग प्रमाण मनो वचन, मन बल वचन बल और काय बल रूप प्राण है। मन वचन काय तो पौद्गलिक रचना है, लेकिन उनके उन बल रूप प्राण है। आगे देखो, अनादि अनंत इंद्रिय बल। अब आयु का देखना, आयु का आयु के लिए क्या कहते हैं? अनादि अनंत हो गया, आयु गई सब, अनादि अनंत कहते। कौन सी आयु बची अभी? अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत, उससे विलक्षण सादी शांत माने आदि और अंत सहित आयु प्राण है। आ गया। श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत स्वाच्छोश्वास रूप प्राण है। व्यवहार नय की अपेक्षा से इस प्रकार चार द्रव्य और भाव प्राणों से यथा संभव जो जीवित रहता है, जीवित रहेगा, पहले जीता था वह जीव है। यथा संभव क्यों लिखा? यथा संभव क्यों लिखा? एक एक शब्द का मर्म है कि जिस जीव के जितने प्राणों का संयोग है उतना लगा लेना है। क्या जीव को द्रव्य इंद्रियादि द्रव्य प्राण अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से आ गया। एक भावेन्द्रियादि क्षय समिक रूप भाव प्राण अशुद्ध निश्चय नय से, और सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध प्राण शुद्ध भाव प्राण निश्चय नय से है। शुद्ध चेतना निश्चय से उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके है वह जीव है। ये बहुत है, मैंने देखो एक एक ग्रंथ में अगर अपन पढ़ेंगे ना द्रव्य संग्रह के भी, ये आगे तो और भी लिया है कि ये मिला क्यों तुमको, ये प्राण मिला क्यों? तो तुम अपने ऐसे अनादि अनंत चैतन्य प्राण को भूल गए।
तुम अपने अनादि अनंत आयु को भूल गए कि तुम्हारी आयु तो अनादि अनंत है, कि तुम उसको भूल गए ना, तो उसको भूल गए तो उसकी सजा में ये कैद मिली है। अब कैद मिली है तो कैद से छूटा भी जाता है, तो मिली है इसलिए सादी, और कैद से छूट भी जाएगा इसलिए शांत, कि फिर नहीं सुधरा तो कि नई कैद, कि फिर नहीं सुधरा तो और नई कैद, और लगातार इतने इतने काल तक लगातार 2000 सागर तक भी नहीं सुधरा तो सेंट्रल जेल। क्यों, ज्यादा आतंकवादी हो जाए तो उसे क्या करते हैं फिर बताओ, कि 2000 सागर में भी अगर इस जीव को सुधरने के लिए कम पड़ते हों, उसमें भी नहीं सुधरे, उसमें भी अपने चैतन्य भाव प्राण का अवलंबन नहीं करे, तो फिर तो निगोद रूप सेंट्रल जेल में डालना चाहिए नहीं से, इसलिए वहीं जाता है। और कोई बीच में ज्यादा गड़बड़ करे तो 2000 सागर का भी कुछ नहीं है, जेल में गया किसी का सिर फोड़ दिया, एक बार समझाया जाएगा, दूसरे दिन दूसरे का फोड़ दिया, और फिर तीसरे दिन तो जो जेलर समझाने आया था उसी का ही फोड़ दिया, अभी क्या करे बोलो उसे, कि इसको डालो भैया सेंट्रल जेल में, यहां के लायक नहीं है, है ना। तो जो अभी 2000 क्या 2000 सागर तो आराम से रहूंगा ना, 2000 सागर तो मैं त्रस पर्याय में रह सकता हूं ना, तो कोई भरोसा नहीं है। तीव्र मिथ्यात्व का सेवन किया तो 2000 साल सागर के पहले भी तेरा पत्ता कट सकता है। आगे ये सब बातें हैं, ये सब बातें आगे अपनी ओर भी चलाएंगे।